नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। फुलवारी शरीफ के दीपाली गार्डन के प्रांगण में राजद नेता सलाहुद्दीन मंसूरी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, आरजेडी पटना जिला अध्यक्ष देवमुनि सिंह यादव, प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव यादव, कौशर खान, आरजेडी के अनेक नेता, कार्यकर्ता और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें श्याम रजक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रमजान के पवित्र महीने में रोजेदार रोजा रखते हैं और ये महीना लोगों को संदेश देता है कि आपसी भाईचारे बनाए रखना और एक दूसरे की इज्जत करना। उन्होंने कहा कि इफ्तार की दावत में तमाम लोग गंगा यमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए पूरे देश में आपसी भाईचारा और अमन कायम रखने का संदेश देता है। रमजान के इस पाक माह में 30 दिनों का जो व्रत होता है वो अल्लाह ताला के आदेश का पालन होता है। हर लोग पूरे जीवन पूरे 30 दिन अपनी उपास करके और अल्लाह से ही फरमान करते हैं कि हमको इतनी ताकत हो कि इस इबादत को हम बखूबी निभाएं, आपस में सौहार्द हो, हर लोगों में जो गंगा जमनी संस्कृति जो हमारी है वो संस्कृति और पनपे। आज जिस तरह समाज में तनाव भेदभाव के वातावरण बन रहे हैं, इसमें हम सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करके प्रेम का बंटवारा हो, प्रेम का वेग बहे, प्रेम की गंगा बहे, लोगों में शांति हो, हर दूसरे समाज में हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके और आपसी भाईचारा बनावे। यही हम इस रमजान के पाक मौसम में माह में हम ये बात मांगते हैं अल्लाह से।